इस देश में रहना अच्छा नहीं। हम नीरन देवरा दुखी हो गया उड़ा यार मंडी में पूरा पानी नहीं लाइट नहीं। कहाँ जाएंगे फिर? कनाडा जाऊंगे। हिंदुस्तान आजाद नहीं है, हिंदुस्तान आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े आया। आजाद होता दिया जीरी बिकती किसानों की। पानीपत की अनाज मंडी की ये तस्वीर है जहां पर जिले भर के किसान अपने धान की फसल लेकर पिछले काफी दिनों से बैठे हुए हैं। किसान मंडी में लावारिस फसल को छोड़कर भी नहीं जा सकता क्योंकि मंडी में किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। भूखा प्यासा रहकर भीषण गर्मी को सहन कर और बारिश की मार को झेलते हुए अन्नदाता ने धरती माता का सीना चीर कर अपनी धान की फसल को पकाया है। फसल को बेचने के लिए बड़े ही अरमानों के साथ किसान मंडी पहुँचा तो उसके सभी अरमान धरे के धरे रह गए। एक एक दिन करके करीब 10 दिन बीत गए लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण किसान के धान का एक भी दाना नहीं खरीदा गया। मंडी में किसान भूखा प्यासा रहकर अपनी फसल का पहरा देने को मजबूर है। कई बुजुर्ग किसान तो यहां तक कह चुके हैं कि इसी दिन के लिए नेताओं को चुनकर सरकार बनाने के लिए भेजा था, उन्हें यह अल्फाज अपने मुँह से कहने पड़े कि अब यह देश रहने लायक नहीं रह गया, अब तो देश को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। देश आजाद नहीं है, अगर देश आजाद होता तो उनकी फसलों की बेकदरी नहीं होती। दुखी हो गया उड़ा यार मंडी में 20 टन लगा उड़ा हट कर बारिश होगी जब हम तो खत्म हो जाएंगे होंगे नहीं गए जी भी एक हफ्ता तो हो गया 11 का और रख दिया आगे के कराम पूरा पानी नहीं लाइट नहीं हर चीज धंधे करना अगम रोटी भी खा रहा ठीक इस देश में रहना अच्छा नहीं। कोई है नगद आजाद ये ज्यादा यू क्या करोगे फिर हम नीरन देवरा पिछा अच्छा बंदरगाह पर डूब जाएंगे ले वो भी अच्छा हटा जरा अच्छा भाई और बोल देश छोड़ के जाने की क्या रहती है? हाँ कहाँ जाएंगे फिर? कनाडा जाऊंगे हमारे रिश्ते और जानदा गए और वहाँ रह भी हैं हम भी उन्हें मर लेंगे। यहाँ की जमीन घर वगैरह खेत तो उसको बेच देंगे हैं बेच देंगे चाहे गौशाला में दे देंगे। गौशाला तो है पूरा है नहीं है। कारण क्या है देश छोड़ के जाने के पीछे? अरे यू दुखी हो रहे रिब उड्डा के राज में ऐसा नहीं होया था। हाँ तो हम बीजेपी में वैसे गुजर हैं इस सरकार में लड़े थे हम भाई मोदी बढ़िया मोदी जाग रहे हैं नहीं ये निचले ये नहीं हम या क्या खट्टर नारायण था यहाँ एक एक दो बार मंडियों मारा था हमने फिर भाई हम तो दुखी है गए आपके आगे देख लिया हूँ सी जीरी दिल्ली आओ ना रहने दो हूँ सी कोई करीब ना तो मिलो अखबार में दे दी भी यानी धान की खरीद है नहीं 25 तारीख को शुरू कर देंगे। 25 ने खरीद शुरू ही नहीं, 28 ने खरीद शुरू ही नहीं, 30 ने शुरू ही नहीं, एक के वायदे में आज 11 का नाम दे दिया अखबार में। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं है, हिंदुस्तान आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े आया। इंडियन पाकिस्तान बोर्डर स्टेट आर द डोमिनियन स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ द स्टेट आर द डोमिनेंट स्टेट। हम आज भी इंग्लैंड की महारानी के दिन से राम आजाद नहीं है, भारत आजाद नहीं है। आजाद होता दिया जीरी बिकती किसानों की। आप कब लेके आए थे मंडी में जीरो? मैंने एक हफ्ते हो गया मंडी में आए ना एक हफ्ते और 11 दिन और 20 दिन कोई कोई चोरी कर लो घर में हैं घर सुनना खेत सुनना पशु सुनने यहाँ बैठे रहो सारा दिन रात 300 गाँव आया 300 गाँव सर रहते एक मिनट नहीं सोया। सरकार ने क्या लगा बोले नमी है इसमें मॉइस्चर है मॉइस्चर चेक करो जिसकी हो जिसकी में मॉइस्चर है वो उसने छोड़ दो जिसकी में नहीं मॉइस्चर उसको उसका तोल करो। हाँ अभी तो कोई नहीं आया चेक करने मंडी ना कोई नहीं आया मंडी में चेक करने कोई नहीं आया अधिकारी नहीं आया कोई भी सरकार इसकी तरफ देख ही नहीं रही है। सरकार किसान 10 महीने बैठे जी भी नहीं देख रहे यहाँ रोन लग रहे किसान जी भी नहीं देख रहे। सरकार तो कह रही किसानों के लिए हम बहुत कुछ फायदा क्या कर रहा किसानों के लिए क्या कर रहा किसानों के लिए या कर रहा 25 के बाद 28 30 एक करीब 11 इनकी नमी नहीं खत्म होती।
आप यहाँ धान लेके आए हो, क्या समस्या रही आपकी? समस्या तो पहली समस्या तो भाई साहब ऐसा है, हम जो खेत से निकाल रहे हैं ना, इसने पानी हो रहा है गोडे 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 पानी में, इसने मजदूरी लेबर लगा कर इसको बाहर निकाल रहे हैं। कुछ तो इसका कलर फेड हो जाए, कुछ ये हीट पकड़ जाए, ये तो सूखी जो जी सुखा का जो जमींदार से सब ये सुखा रखी सारी, ये मेहनत लग रही, यहाँ मजदूरी लग रही, लाला लाला जी तो इसमें कुछ कर नहीं रहा, मैंने तो मजदूरी तो हमारी लग रही है। अच्छा ये हम यूँ चाह रहे हैं, गवर्नमेंट इसने पहले 25 तारीख की अनाउंसमेंट हुई थी, 25 ने अभी की नहीं, अब कह रहे थे एक नंबर कहेगी भी एक भी नहीं, कल खट्टर साहब ने बताओ 11 तारीख की कर दी, तो भाई मर जाएंगे नुदाड़ पड़े पड़े, पशु इतने आवारा पशु हैं, सारी रात लठ ले बैठे रहे हैं लोग, समस्या तो बहुत कड़ी हो रही है भाई। वो बाकी गवर्नमेंट ने देखना है जिम्मेदार के लिए क्या कर रही है क्या नहीं, ये झूठे दावे कर रहे हैं कुछ कर रहे भी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।